हेलो गाइस, मेरा नाम विजय। तो गाइस, आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा लेनोवो के लेटेस्ट IDEA 5 III लैपटॉप की, जो कि आता है इंटेल के लेटेस्ट 10 जनरेशन कोर प्रोसेसर्स के साथ में और आपको प्रोवाइड कर रहता है एक अच्छी परफॉर्मेंस एट अ बजट। ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको यहां पे बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा। एंड यू ऑल्सो गेट अ थिंग शटर हियर एज यू कैन सी फॉर योर प्राइवेसी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये लैपटॉप आपको क्या कुछ ऑफर कर देता है एट अ बजट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। और अगर बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल जाता है अपना लेनोवो IDEA PAD 3 लैपटॉप, जिसे मैं निकाल के यहाँ पे साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, बॉक्स में अंदर की तरफ यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि इस लैपटॉप की वारंटी गाइड और कुछ सेटअप इंस्ट्रक्शंस। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो फाइनली यहाँ पे मिल जाता है इस लैपटॉप का चार्जर, और चार्जर की अगर आउटपुट की बात करूँ तो ये लैपटॉप आता है एक 65 वाट के चार्जर के साथ में। तो गाइज, ये है लेनोवो का IDEA PAD 3 लैपटॉप। तो इस प्लास्टिक को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और ये लैपटॉप आता है इस ग्रे कलर में। तो इस लैपटॉप के ओवरऑल फील और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये लैपटॉप आता है इस प्लास्टिक बिल्ड के साथ में, जो कि एक बहुत ही चीप टाइप की फीलिंग दे देती है, बिकॉज ये लैपटॉप एक बजट लैपटॉप है एंड यू आर गेटिंग अ रियली गुड प्रोसेसर इन दिस रेंज। तो आपको बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे मेजरली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहाँ पे मैं अगर आपसे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये लैपटॉप के प्लास्टिक चेसेस इतने वीक हैं कि आप यहाँ पे अगर इसे ऐसे करते हैं तो आपको बैंड इजीली यहाँ पे नजर आ जाएगा और फील हो जाएगा। और अगर बात करूँ इसकी बॉडी की, तो कीबोर्ड के पास वाले एरिया में भी अगर यहाँ पे आप इस लैपटॉप को अगर आप देख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो ये लैपटॉप अंदर की तरफ बैंड हो जाता है। तो फील इस लैपटॉप का थोड़ा चीप है, जहाँ पे आपको एक प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो ये लैपटॉप आता है एक 1.85 केजी के वेट के साथ में, जो कि ओके है एक 15.6 इंच लैपटॉप के लिए। एंड ऑल्सो दिस लैपटॉप इज 19.9 मिलीमीटर थिक, विच इज ओके। तो गाइस, लैपटॉप की लिड को फ्लिप करते हैं तो सामने की तरफ हमें मिलती है एक 15.6 इंच की डिस्प्ले, जहां पे आप इसे चूज कर सकते हैं अप टू फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ में। और अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो ये जो डिस्प्ले है ये एक बहुत ही चीप डिस्प्ले लगती है, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आप एक गंदा सा कॉन्ट्रास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिस्प्ले से। और यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स भी इस डिस्प्ले के अच्छे नहीं है, एज इट इज अ चीप लैपटॉप, बट डिस्प्ले यहाँ पे आपको बिलो एवरेज मिल जाती है। एंड देन लास्टली, sRGB कवरेज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, जो कि सिर्फ 52% है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको एक बिलो एवरेज मिलती है, तो आपको जो आप प्राइस पे कर रहे हैं उसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर तो मिल रहा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। एंड देन लास्टली हमें यहाँ पे मिल जाता है एक 720p वेबकैम इस लैपटॉप में, और इसमें आता है ये थिंग शटर फॉर योर प्राइवेसी, सो इट्स अ फिजिकल थिंग शटर। तो गाइस, लैपटॉप की कीबोर्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक IDEA PAD स्टाइल कीबोर्ड। तो जैसे कि लैपटॉप एक 15.6 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है, यहाँ पे हमें एक नंबर पैड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको यहाँ पे टाइप करने में बहुत ही ईजी रहेगा। एंड देन अगर कीबोर्ड के फील की बात करूँ तो यहाँ पे ये कीबोर्ड आता है बहुत ही बड़े की कैप्स के साथ में, जो कि कंफर्टेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस दे देता है। तो जैसे कि लैपटॉप एक मिड रेंज लैपटॉप है, आप इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन की का फीडबैक बहुत ही क्लिकी है, और यहाँ पे टैक्टाइल सा फीडबैक मिल जाता है इस की के साथ में आपको, जहां पे मैं आपको कुछ टाइप करके दिखा देता हूं। तो कीज के मामले में ये लैपटॉप अपने प्राइस के हिसाब से एक अच्छा कीबोर्ड आपको ऑफर कर देता है। एंड बैकलिट की अगर बात करूँ तो ये लैपटॉप किसी बैकलिट के साथ में नहीं आता है, सो दैट्स ऑल व्हाट वी गेट। और बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स लगे हुए मिल जाएंगे, जो कि कहते हैं कि प्राइवेसी शटर के साथ ये लैपटॉप आता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड देन यहाँ पे एक हमें मिल जाता है कि ये लैपटॉप डॉल्बी ऑडियो के साथ में आता है। तो यहाँ पे एक 15.6 इंच की डिस्प्ले, जो कि नैरो बेजल्स के साथ आती है और डॉल्बी एक्सपीरियंस को कंबाइन करके आपको एक अच्छा मीडिया एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा इसी लैपटॉप के अंदर। एंड देन यहाँ पे फाइनली है स्टाइलिश डिजाइन। तो डिजाइन लुक्स के मामले में तो अच्छी लग रही है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बिलो एवरेज है, मैं कहूंगा कि पुअर है। एंड देन यहाँ पे फाइनली हमें देखने के लिए मिल जाता है ये स्टिकर्स, जो कि कहता है ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में। तो आप यहाँ पे इस लैपटॉप को i5, i3, i7 तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं, जो कि है इंटेल का 10th जनरेशन कॉमेट लेक प्रोसेसर। और यहाँ पे जो वर्जन मेरे पास है वो आता है एनवीडिया के MX130 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ में। हालांकि यहाँ पे आपको एक इंटेग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आपके कुछ पैसे बचा देगा।
तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ रियली गुड पैकेज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको एक अच्छा ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर का ऑप्शन मिल जाता है एट एन अफोर्डेबल रेंज। तो यहाँ पे ये लैपटॉप आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले में। तो गाइस पोर्ट्स की अगर बात करें तो इस लैपटॉप में हमें मिल जाते हैं राइट साइड में एक फुल साइज एसडी कार्ड स्लॉट और इस साइड यहाँ पे एक 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आपको लेफ्ट साइड में ही मिलेंगे इस लैपटॉप में, जहां पे आपको मिल जाता है एक डीसी पोर्ट इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक एचडीएमआई पोर्ट। फिर इस साइड लगे हुए तीन यूएसबी ए पोर्ट, जो कि दो यूएसबी पोर्ट आते हैं यूएसबी 3.1 जेन 1 के साथ में, और एक आपको यहाँ पे मिल जाता है एक यूएसबी 2.0 पोर्ट। तो बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इस लैपटॉप के वेंट्स। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप विद डिसेंट परफॉर्मेंस, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी वीक मिल जाती है इस लैपटॉप के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे जो बैटरी इंस्टॉल्ड है इस लैपटॉप के अंदर वो है 35 वॉट आवर बैटरी, जो कि एंट्री लेवल स्पेक्स के साथ आ जाती है इस लैपटॉप के। तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ भी 3 से 4 घंटे के बीच में ही देखने के लिए ही मिलेगी, लेकिन लेनोवो ने बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करा है बैटरी के साथ में। तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे एक मिड रेंज या फिर बिलो मिड रेंज लैपटॉप के लिए बैटरी लाइफ भी एवरेज आप कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।